हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना? चलो बच्चों, तो आज क्या है कि देखो, तो जो लेक्चर नंबर 2 था ना, उसमें क्या था कि मैंने कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ एग्जांपल मैंने दिया था उसमें। तो आज कुछ एडवांस लेवल में एग्जांपल आज हम करेंगे, ठीक है ना? तो एडवांस लेवल एग्जांपल आज हम करेंगे, बिल्कुल ही एडवांस लेवल। एक दो एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एडवांस लेवल एग्जांपल। एडवांस लेवल एग्जांपल हम करेंगे, इस पर करेंगे। तो इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, जो JEE एडवांस में आने का चांस रहता है, और जो नीट में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक ठीक है ना? करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा देखो, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, जो बिल्कुल ही एकदम सटीक और ज़बरदस्त क्वेश्चन जो तुम्हारे मॉड्यूल में मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास DC पांडे का बुक है तो उसमें भी मिल जाएगा, अगर तुम्हारे पास SC वर्मा है तो उसमें भी आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो, करते हैं। थोड़ा देखना क्या है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों सुनना पहले, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा देखो, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ, शानदार बनेगा। कुछ ऐसा, चलो मैं ऐसा बना दिया। चलो ये मान लो 37 डिग्री, ठीक है, और ये वॉल है, ये बिल्कुल है वर्टिकल वॉल, ठीक है। अब ये कोई स्फेयर यहाँ पे रखा हुआ है, कोई मास है, कोई स्फेयर या बॉल कोई ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉल है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना? बॉल है, ऐसा रखा हुआ है। अब सिंपल सा है कि बॉल का मास गिवेन है, प्यारे बच्चों, बॉल का जो मास गिवेन है 10 kg का मास है गिवेन है। तो बॉल एक बार कांटेक्ट यहाँ पर, एक बार कांटेक्ट यहाँ पर है कि नहीं? और बॉल ये रुका हुआ, रुका हुआ मतलब क्या है कि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है सर, कोई बात, इक्विलिब्रियम है। अब बोलता है कि ये वर्टिकल वॉल है, ये मान लो नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया ई, नाम दे दिया बी, ठीक है। मुझे बताना है कि फोर्स फोर्स एग्जर्टेड बाय वर्टिकल वॉल, ऑल्सो फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो कितना फोर्स लगा रहा है, और ये जो वर्टिकल वॉल है वो भी कितना फोर्स लगा रहा है, ये मुझे निकालना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे क्या करेंगे सर, सुनना। सबसे पहले इसका बनाएंगे FBD, है ना? हम क्या बनाएंगे इसका FBD, कैसे, सुनना। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्या इक्विलिब्रियम है, मुझे फोर्स निकालना है कि ये जो वॉल है कितना फोर्स लगा रहा है और ये जो इंक्लाइन प्लेन है कितना फोर्स लगा रहा है। अब थोड़ा देखना, देखो तो ये जो इंक्लाइंड है वो लगाएगा नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा है, सही बात है क्या? यस सर। अब मुझे पता है कि अगर ये नॉर्मल हो तो वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाता है, तो 37 डिग्री बनाता है, गुड सर, अच्छा है। तो मैं क्या किया, ऐसा कुछ FBD बनाया और मैंने कुछ ऐसा दिखा दिया। देखो ऐसा, ये मान लो सेंटर है, यहाँ पे मैंने ऐसा दिखा दिया, ठीक है, और इसका इसके साथ एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 37 डिग्री, कितना एंगल है 37, कोई बात नहीं, है ना 37, तो ये भी 37 तुम बोल सकते हो, ये भी क्या है 37 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये कॉन्टैक्ट है तो इसका जस्ट नॉर्मल में लगाएगा, तो NB मान लिया, और ये कॉन्टैक्ट है ऐसा, इसका जस्ट नॉर्मल में NA मान लिया। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई तुम क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन, उसके बाद अलग से तुम चाहो इसका डायग्राम बना के फोर्स ऐसा दिखा सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना प्यारे बच्चों, सुनना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगाया इस सरफेस के, बिल्कुल ये नॉर्मल होता है, और इसके नॉर्मल बिल्कुल वर्टिकली होगा, सॉरी, इसके नॉर्मल बिल्कुल क्या होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। तो सिंपल सा प्यारे बच्चों, ये NB है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, NB cos 37, सही बात है क्या? यस सर। ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, NB sin 37, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। नीचे क्या लगेगा प्यारे बच्चों, तो MG फोर्स, बहुत बढ़िया। मास कितना है 10, जी का 10 ले लो तो 100 न्यूटन, बहुत बढ़िया। एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है, नाम क्या है, तो NA फोर्स है, बहुत बढ़िया है। अब ये इक्विलिब्रियम है, क्या है ये प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया कि समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, वाई में फोर्स, एक्स में फोर्स, क्या होगा समेशन, जीरो होगा। तो प्यारे बच्चों ये बताओ, जो एक्स एक्सिस में फोर्स है वो क्या क्या है, तो इधर NA है और इधर क्या है NB sin 37, इसका मतलब एक्स में अगर जीरो हो नेट फोर्स तो NA बराबर क्या हो जाएगा, NB sin 37, क्योंकि उल्टा है ना प्यारे बच्चों, यस सर, एक इधर तो एक इधर, तो एक्स में ये फोर्स बराबर वो फोर्स, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यानी बी साइन सीरीज का वैल्यू कितना होता है 3/5। ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। देखो यारे बच्चों, मुझे निकालना है ये वॉल ने कितना फोर्स लगाया, मतलब एन ए, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है कितना फोर्स लगाया, तो वो माना बी एन बी। ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, वर्टिकल ये हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब करते हैं वाई एक्सिस में। थोड़ा देखो, वाई एक्सिस की बात करो, ऊपर की ओर फोर्स देखो एन बी कॉस 37, नीचे की ओर फोर्स देखो तो एम जी। और कोई फोर्स है क्या? नहीं सर, कोई फोर्स नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर कितना है एन बी कॉस 37 इक्वल टू एम जी, मतलब 100। ठीक है, एन बी कॉस 37 4/5 इक्वल टू 125। ठीक है क्या? एन बी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 125 न्यूटन। ये आ गया फोर्स एग्जर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉल। ठीक है क्या? यस सर। तो एन बी ये आ गया फोर्स, और एन ए निकालना है, तो एन बी का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो एन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा एन ए का वैल्यू देखो 125 इंटू 3/5 25, कितना आ गया 75 न्यूटन। कितना लगा रहा है ये जो वर्टिकल वॉल है ना, वो कितना लगा रहा है 75 न्यूटन। तो क्या प्यारे बच्चों बताओ, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमसे ऐसा न्यूमेरिकल डन हो जाएगा? यस सर, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो और एग्जांपल करते हैं। देखो 3-4 एग्जांपल और करेंगे शानदार, इसी पे इक्विलिब्रियम पे, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो और देख लो, जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इस बार देखना, तो ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो देखना है तो बिल्कुल ही सटीक क्वेश्चन, 30 डिग्री है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक बॉल कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये भी कोई बात नहीं, और ये एक और इंक्लाइन प्लेन है प्यारे बच्चों, एक और इंक्लाइन प्लेन है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँगा, इसको डायग्राम थोड़ा अच्छे से बनाऊँगा। देखो ऐसा, ठीक है, ये बॉल है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है क्या, ऐसा। ठीक है, चलो ऐसा कोई बॉल है अटका हुआ है, और ये जो एंगल है प्यारे बच्चों वो 45 डिग्री, कितना है ये 45। ठीक है क्या, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। चलो बोलता है कि ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है जो ये दोनों के बीच में, एक स्लोप यहाँ है, एक स्लोप यहाँ है, ए स्लोप और ये बी स्लोप। ठीक है, एक का एंगल है 30 डिग्री, एक का एंगल है 45 डिग्री। इसका मास बोलता है कि मास है 10 kg। तो बताओ ए जो इंक्लाइन प्लेन है और ये जो है वो रुका हुआ है, बोलता है ए जो इंक्लाइन प्लेन है कितना फोर्स लगा रहा है, और बी जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, वो बातें निकालना है। प्यारे बच्चों देखो, क्या ये क्वेश्चन तुमसे बन पाएगा क्या? देखो एक बार, तो देखो दो इंक्लाइन प्लेन है, एक तो ये है और एक ये है, और ये दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, मुझे निकालना है कि ए जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, और बी जो है वो कितना फोर्स लगा रहा है, ये मुझे निकालना है प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे थोड़ा देखो। अब देखो ये जो बॉल है इसका मास 10 kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो एबीडी अगर मैं इसका बनाऊँ, ऐसा कुछ एबीडी बनाऊँ, सुनना पहले। देखो तो ये जो वॉल है ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, सही बात है क्या? यस, इधर की ओर लगाएगा, और इसके साथ जो एंगल होगा वर्टिकल के साथ वो कितना होगा? देखो ये फोर्स कौन लगाया? एन ए लगा रहा है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है, इसके जस्ट नॉर्मल लगाएगा, और वर्टिकल के साथ अगर कोई इंक्लाइन प्लेन हो तो ये 45, तो ये भी कितना लगाएगा 45, ये वाला एंगल। अब कहो सर ये क्या लगा रहा है, तो ये देखो तो इसका भी इधर नॉर्मल रिएक्शन, देखो इसका भी इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन ये लगा रहा है, इसका भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा, तो मुझे पता है ये लगा रहा है, तो इसके साथ जो ये एंगल होगा वो कितना होगा 30 डिग्री, और ये जो होगा एन ए ये कितना बनाएगा 45, ये कितना 30 डिग्री। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। जो ए वाला जो है ना प्यारे बच्चों, वो फोर्स कुछ ऐसा लगा रहा है ए वाला एन ए, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो वर्टिकल के साथ कितना लगाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे एक और है एन बी कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखना एन बी कुछ ऐसा है, यहाँ से कुछ ऐसा गया है, देखना ऐसे गया है एन बी। ठीक है, और ये जो एन है कुछ यहाँ से ऐसा आया है, ठीक है ना। अब देखो ये जो एन बी है इसके साथ का जो एंगल है वो कितना है, तो ये है 30 डिग्री।
ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मतलब देखो तो इसका जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल आ गया, कौन सा, ये वाले का। एक तो इसके साथ कितना है ये 30, तो ये भी 30 डिग्री है कि नहीं। मतलब देखो तो ये लगा लिया एन, ये एन ए है, ये बी, एन बी ऊपर लगाएगा तो एन बी ऊपर लगा लिया, है कि नहीं सही बात। यस सर। अब तो सुनना, इसका इसके साथ, अब देखो इसका कंपोनेंट अगर मैं करता हूँ, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो देखो इसका इसका एक तो नीचे बनेगा और एक इधर बनेगा, कितना बनेगा, तो एन ए ये बन जाएगा एन ए कॉस 45 और ये बन जाएगा एन ए साइन 45 डिग्री। देखो इसका कंपोनेंट इधर और इधर, है कि नहीं। फिर देखो एन बी बचा, एन बी का भी इधर और इधर, तो क्या बना देखो, ऊपर ऊपर कितना, तो एन बी, नीचे तो एम जी लगेगा वर्टिकल में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नीचे कितना, एन बी कॉस 30 डिग्री और इधर की ओर कितना हो गया, तो एन बी साइन 30 डिग्री, ठीक है। और नीचे एम जी है कि नहीं, बस ये देखो फोर्स है, सही बात है कि नहीं। देखो प्यारे बच्चों क्या है, ये जो है फोर्स इधर की ओर लगाया, ये नॉर्मल होगा। और मुझे पता है अगर कोई इंक्लाइंड हो, अगर वो नॉर्मल हो तो वो जो एंगल लगाए, वो जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो कितना होगा, तो इसके इक्वल हो जाएगा, कितना 45 डिग्री, ये वाला कौन सा, ये वाला 45 डिग्री। और मुझे पता है कि ये जो है इसके द्वारा है, इसके द्वारा, तो इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये लगाएगा इधर की ओर 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। यस सर। मतलब ये है 45 और ये वाला जो है वो 30, है कि नहीं। चलो तो इसको मैंने ऐसा बना लिया, इसको एक्स वाई एक्सिस में कर दिया, हो गया, आंसर आ गया। आंसर क्या आएगा, देखो आंसर आ जाएगा ये इक्वल टू, मुझे पता है ये इक्विलिब्रियम में एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0। अब तुम कहो कि सर ये फोर्स इधर क्यों लगाया, ये इसके ऊपर है इसलिए इधर लगाया, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, इसलिए फोर्स इधर लगा रहा है कि नहीं। और ये फोर्स हमेशा लगा, ये ऊपर की ओर लगाएगा, सही बात है कि नहीं। यस सर। ये एन ए और ये एन बी, ठीक है क्या, दोनों के बीच कुछ एंगल था, कोई बात नहीं, वर्टिकल में लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एफ एक्स में बोल दो क्या है, एन बी साइन 30 इक्वल टू एन ए साइन 45, एन बी साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ, एन ए साइन 45 वन बाय रूट टू, कितना आ गया, ये एन बी आ गया 2NA अपॉन रूट 2। चलो ठीक है, ये NB आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और चाहिए, वो आएगा Y एक्सिस से। देखो Y एक्सिस में NB cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, NA cos 45, NA cos 45 डिग्री प्लस MG, मास कितना है तो 100 न्यूटन, ठीक है। MG कितना है, ये 100 kg का है, 100 न्यूटन, कितना आ गया, NB cos 30 रूट 3 बाय 2 इक्वल टू एन ए, एन ए अगर लिखोगे तो कितना आएगा लगभग, तो एन ए का जो वैल्यू आएगा वो देख लो यहाँ पे, तुम चाहो तो एन बी के टर्म में रख सकते हो, है कि नहीं, इच्छा तुम्हारा रख दो। देख लो एन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से एन ए का वैल्यू आ जाएगा, चलो मैं इसको एन बी रख देता हूँ, बोलो 2NA अपॉन रूट 2 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाय 2 इक्वल टू एन ए अपॉन रूट 2 प्लस 100, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आएगा 2 कैंसिल, ये कितना है तो रूट 2 है, इसको इधर ले आओ, तो एन ए कॉमन ले लो, तो रूट 3 रूट 2 मान लो, ले लो कॉमन, कितना आएगा, तो ये देखो इधर आएगा, तो रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 100, सही है। अब देखो यहाँ से एन ए का वैल्यू क्या आ गया, एन ए का, प्यारे बच्चों एन ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 100 रूट 2 है ना, रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस 1, रूट 3 का वैल्यू 1.7, तो 1.7 मतलब 0. मतलब ये कितना आएगा 0.7, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये लगभग एन ए का वैल्यू जो आंसर आएगा वो जो आएगा वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो। अब यहाँ से एन ए का वैल्यू आ जाएगा, अब इसमें रख लो एन ए का, तो क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा, तो दो वैल्यू आ गया एन ए और एन बी, मतलब ये जो सरफेस लगा रहा है एन बी और ये जो लगा रहा है वो लगा रहा है एन ए। ये बातें समझ में आई क्या, यस सर समझ में आ गया सर। क्या तुमसे ऐसा एग्जांपल हो जाएगा, बन जाएगा क्या, यस सर बन जाएगा सर। क्या इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा क्या, ये बिल्कुल एडवांस लेवल है, बिल्कुल ही एडवांस लेवल, जो तुमसे बनना चाहिए, क्योंकि मेरे से बनना है तो तुमसे भी बनना चाहिए। चलो तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुमसे हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। चलो देखो
और करते एग्जांपल देखो, और अब देखो तो इसमें अच्छा अच्छा एग्जांपल हो रहा है, कर रहे हैं हम आराम से, थोड़ा करते हैं क्वेश्चन। और इसमें देखो थोड़ा सा देखो, और इसमें क्वेश्चन करेंगे हम एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल ही एकदम। जैसे मान लो ऐसा कोई गिवेन, देखो मान लो ये कोई ऐसा गिवेन है, ऐसा कोई चेन है, क्या ये ऐसा कोई चेन है? ऐसा चेन है कोई, ठीक है, हैंगिंग है, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, कोई बात नहीं, चेन है। इसका इसका मास मान लो एम मास है, कितना मास है इसका? एम मास है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। और ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, तो बोलता है मुझे बताओ, अच्छा ये क्या है? एक एक मान लो चेन है, क्या है ये? चेन चेन है, तो पक्का है कि चेन है तो हर जगह क्या होगा? तो टेंशन होगा, टेंशन तो हर जगह होगा क्योंकि वेट है नीचे, है ना, वेट है तो क्या होगा? तो टेंशन जरूर होगा, टेंशन हर जगह होगा। क्वेश्चन बोलता है मुझे बताओ मिडिल पे टेंशन क्या लगेगा? क्या बोलता है क्वेश्चन कि मिडिल पे टेंशन क्या लगेगा, वो पूछ रहा है प्यारे बच्चों। अब कैसे क्या करेंगे, थोड़ी बातें सीखो जाए। अच्छा मुझे बताओ, पूछ रहा है कि मिडिल पे टेंशन क्या होगा, मिडिल पे मतलब यहाँ पे टेंशन क्या होगा? तो देखो जब मिडिल पे लगा होगा ना, तो एक एक इधर और एक इधर, मतलब इधर खींच रहा होगा, सही बात है क्या? एक इधर और एक इधर की ओर टेंशन खींच रहा होगा, क्योंकि मिडिल पे क्या होगा, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये टी इधर से और टी इधर से खींचेगा। मतलब मान लिया कि यहाँ पे क्या है, मिडिल पे तो टी है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया टी है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो तुम चाहो T1 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा देखना, ये जो चेन है अगर ये हैंगिंग है, क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल आइए सुनना पहले, ये इधर की ओर टेंशन होगा यहाँ पे, और इधर की ओर भी टेंशन टी इधर होगा, सही बात है सर, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके साथ एंगल कितना है? थीटा, और ये भी एंगल कितना है? थीटा एंगल है, ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो सोचो इसका इसके साथ कितना एंगल है? थीटा है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये और इसके साथ में एंगल क्या बन जाएगा? तो थीटा बन जाएगा, ये सही बात है कि नहीं? यस सर। टेंशन सोचो कि इसका वेट नीचे होगा तो टेंशन किधर लगेगा? उधर लगेगा टेंशन, यस सर सही बात है। वेट नीचे होने की वजह से जो चेन पे जो तनाव आएगा ना, तनाव वो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, सही बात है सर। देखो मुझे निकालना है T1, लेकिन मैं यहाँ से डील कर रहा हूँ कि यहाँ पे TT लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत लगेगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे पता है वेट लगेगा, वेट बराबर MG, ये भी पता है। अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना बन गया? T cos थीटा, और ऊपर क्या बन गया? T sin थीटा, बहुत बढ़िया। ये क्या बन गया? T cos थीटा, ऊपर क्या बन गया? T sin थीटा, ये भी चलो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ तो देखो हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंसिल आउट। हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहां से कुछ बातें निकल के आता है कि जो वर्टिकल में फोर्स है वो कितना है? T sin थीटा, और T sin थीटा तो 2 T sin थीटा इक्वल टू क्या है? mg, मतलब वेट। तो T sin थीटा, T इक्वल टू कितना हो गया? तो mg अपॉन 2 sin थीटा, ठीक है, ये टी का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या क्या कोई एक्स में, जो एक्स में देखो तो यहां पे देखो तो एक्स में नेट फोर्स क्या है? 0 है, सही बात है ना, क्योंकि ये और ये क्या है? T cos थीटा बराबर T cos थीटा, 0 है ही नहीं कोई, लेकिन नीचे में वर्टिकल क्या है? mg था, इसलिए 2 T sin थीटा बराबर क्या हो गया? तो mg हो गया, सिंपल सा बात है। अब मुझे बताओ जो टेंशन यहां पे होगा प्यारे बच्चों, वो जो टेंशन T1 यहां पे होगा x एक्सिस में, वो हर जगह क्या होगा? x एक्सिस में हर जगह फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि क्यों? क्योंकि x एक्सिस में कोई इसका मूवमेंट हो रहा है क्या? इससे कोई mg फोर्स है क्या x एक्सिस में? नहीं सर, कोई नहीं है। अब सोचो x एक्सिस में इधर लग रहा है T cos थीटा, तो T cos थीटा, तो इधर क्या लगेगा? T1 लगेगा, सही बात है सर, है ना। अब तुम कहो सर कि यहाँ पर T1 लगा तो यहाँ भी तो लगेगा, अरे कोई बात नहीं, ये रुका हुआ है, T cos थीटा और T1 ये हो जाएगा, और T cos थीटा और T1 इधर से ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों x में मतलब नेट फोर्स x में क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए, सिंपल सा बात है। अगर मुझे T1 निकालना है तो क्या हो जाएगा? T cos थीटा बराबर T1, ये T cos थीटा T1 के इक्वल, और ये भी T1 T cos थीटा के इक्वल, हॉरिजॉन्टली। देखो जब ये नीचे, जब यहाँ पूछ रहा है कि नीचे बताओ कितना लगेगा टेंशन, नीचे मतलब मिड पॉइंट पे, ये क्या है? मिड पॉइंट पे जो बिल्कुल वर्टिकल होगा, और यहाँ पे टेंशन बिल्कुल क्या होगा? इधर और इधर होगा, बिल्कुल एक्स में होगा,
ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पे टी कॉस इसका 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 इक्वल हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस में इक्वल हो जाएगा। देखो क्या बन गया, टी टी का वैल्यू कितना है, एम जी अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर टी वन, कितना आ गया एम जी बाय टू कॉट थीटा इक्वल टू टी वन। जो मिडिल पे जो टेंशन आएगा, ये टेंशन कहाँ है तो मिडिल ऑफ द चेन, चेन के मिडिल पे जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा, एम जी बाय टू कॉट थीटा। समझ आया कि नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर, ये बिल्कुल एडवांस लेवल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाता है तो इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसी में एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, एक दो क्वेश्चन और करवाऊँगा इसी में। अब देखो इसी क्वेश्चन में मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, देखो शायद तुमसे ये क्वेश्चन ना बने, सुनो सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनना पहले। चैन ही है क्या ही, चैन कोई दिक्कत नहीं, चैन ऐसा है, ऐसा है, मास एम ही है, ठीक है मास एम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास एम है। ये एंगल थीटा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी एंगल थीटा है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो सीखना थीटा थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ प्यारे बच्चों बताओ, तो मुझे ये बताना है कि ये एंगल कोई फाइव बना रहा, क्या बना रहा है फाइव, मुझे बताओ फाइव पे यहाँ पे क्या टेंशन मिलेगा यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे टेंशन निकालना फाइव पे, तो कुछ नहीं मानेंगे हम क्या करेंगे फाइव पे मानने के लिए। अब सिंपल सा बात है, मैंने अभी माना इधर टी, इधर माना टी, ठीक है ऊपर क्या आया, ऊपर अभी आया था टू टी साइन थीटा बराबर एम जी, यही तो आया था अभी, है ना, ऊपर क्या आया था टी साइन थीटा और है ना, ऊपर क्या आया था टी साइन थीटा और इधर क्या आया था टी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी क्या आया था टी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आया एम जी अपॉन टू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हट गई होगा। अब बोलता फाइव जो एंगल बना रहा है यहाँ पे टेंशन बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे टेंशन इसमें क्या लगेगा, तो इस पे जो टेंशन लगेगा यहाँ पे वो कुछ ऐसा लगेगा और इस पे जो लगेगा वो कुछ इधर लगेगा, सही बात है क्या, इधर टेंशन लगेगा टी वन क्योंकि यहाँ पे है ना, तो ये टेंशन इधर लगेगा, बिल्कुल ये टेंशन इधर लगेगा। बोलता है फाइव एंगल पे बताओ, फाइव एंगल पे कितना टेंशन होगा, फाइव एंगल पे कितना टेंशन होगा यहाँ पे, तो प्यारे बच्चों देखो इस पे जो टेंशन लगेगा वो इधर लगेगा और इस पे जो लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, सही बात है क्या, इधर की ओर लगेगा टी वन, सही बात है ना, क्योंकि इंटरनल फोर्स है ऑपोजिट लगेगा। यस सर सही बात है सर, तो चाहे ये चाहे ले लो, मैं मान रहा हूँ ये मानना कोई दिक्कत नहीं, इसके कंपोनेंट इधर क्या हो गया तो टी वन कॉस फाइव इधर आएगा, ठीक है तो ये तो इंटरनल फोर्स है, इसे कोई दिक्कत। अब मैंने ही बताया कि एक्स में जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, एक्स में नेट फोर्स क्योंकि एक्स में कोई वेट नहीं है, कोई एक्सलेशन नहीं है, बिल्कुल रेस्ट में है, तो टी वन कॉस फाइव बराबर क्या आ जाएगा, टी वन कॉस फाइव बराबर टी कॉस थीटा, टी कॉस टी वन कॉस फाइव मतलब टी, टी का वैल्यू कितना है एम जी अपॉन टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिंपल सा बात है टी वन कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो एम जी बाई टू कॉट थीटा अपॉन कॉस फाइव, ये T1 का वैल्यू आ गया। तो प्यारे बच्चों बताओ क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, ये सब बन जाएगा, क्या ऐसा क्वेश्चन चैन वाला क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे बहुत ही अच्छा समय में आया सर, बहुत ही अच्छा सर, मैं तो ऐसा कहीं सीखा भी नहीं सर, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन होता है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने किया आज, है ना, मज़ा आ गया थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएंगे हम। चलो तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बहुत हो गया है, अब ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, अगर तुम्हें दिक्कत होगा तो मेरे से यूट्यूब पे कमेंट कर देना, बोलना सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं यूट्यूब वीडियो में वो क्वेश्चन बना के रिकॉर्ड करके लेक्चर में डाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल सा बात है, तुम्हें जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा इक्विलिब्रियम का वो मेरे को बता देना, ठीक है ना। चलो अब थोड़ी कुछ बातें करते हैं, मतलब एक्सलेशन ऑफ द बॉडी का, किसकी बातें करते हैं, एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का एक्सलेशन हो, ठीक है, एक्सलेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एक्सलेशन हो रहा हो, ठीक है, किसी बॉडी का हो सकता है, सिस्टम ऑफ बॉडी हो, मतलब सिस्टम मतलब एक से ज़्यादा बॉडी हो सकता है, एक बॉडी हो सकता है, तो एक्सलेशन की बात हम करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की बात हम करेंगे,
चलो एक्सलेशन ऑफ द बॉडी। देखो इससे पहले जो था वो क्या था, इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, मतलब वहाँ पर नेट फोर्स क्या था, जीरो। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो, कुछ बातें हम नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्सलेटेड फ्रेम की बातें करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे। चलो सीखते हैं। देखो वन ब्लॉक सिस्टम, सबसे पहले वन ब्लॉक सिस्टम की बातें करते हैं। वन ब्लॉक सिंगल ब्लॉक कॉन्सेप्ट, सिंगल ब्लॉक कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, सिंगल ब्लॉक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे थोड़ा हम, तो देखेंगे करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट ले लिया एम मास, ठीक है, फोर्स लगाया एफ, कोई दिक्कत नहीं, एंगल मान लो थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है दो बातें आ सकता है प्यारे बच्चों, एक तो ऐसा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सुनना पहले। सेम मास है, इसमें फोर्स मैंने ऐसा लगाया, ऐसा फोर्स लगाया एफ फोर्स, और ये एंगल कितना है, थीटा है, कोई दिक्कत बात नहीं। देखो तो इसको मैंने क्या किया, ऐसा फोर्स लगाया, और इसको मैंने फोर्स क्या किया, ऐसा किया, मतलब ये क्या है, पुलिंग। ये क्या है प्यारे बच्चों, पुलिंग किया, और ये क्या है, पुशिंग। इसको मैंने क्या किया, तो पुशिंग किया, चलो कोई बात नहीं। बोलता है कि मुझे बताओ दोनों के केस में, बताओ मास मास सेम है, दोनों के केस में ये बताओ कि ये जो सरफेस है वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये जो सरफेस है वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, और बताओ कितना एक्सलेशन भी हो रहा है, वो भी निकालना है। प्यारे बच्चों क्या सुनना, सबसे पहले एफबीडी बनाओ, क्या बनाओ, एफबीडी। चलो ये कॉन्टैक्ट है तो ये ऊपर लगाएगा फोर्स, ये जो सरफेस है ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे क्या है, एम जी है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और देखो ये एफ का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर की ओर है कि नहीं, तो इधर क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा प्यारे बच्चों, एफ साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, एफ बी डी बना दिया, डायग्राम बना दिया। अब सोचो तो एक्सलेशन तो इसी ओर हो रहा है ना, ये सरफेस है ग्राउंड, तो एक्सलेशन तो इसी से हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्सलेशन हो रहा है, एक्स मान लो ये वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बनाते हैं बीडी, तो देखो इसका एबीडी अगर बनाऊंगा तो सुनना पहले, इसका भी देखो ये जो लगाएगा ऊपर लगाएगा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, कॉन्टैक्ट रहता है तो क्या लगाता है, वो नॉर्मल रिएक्शन। नीचे क्या है, एम जी है, कोई बात नहीं। फोर्स एक तो इधर आएगा है ना, एक इधर और एक, देखो ये फोर्स अंदर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट भी अंदर जाएगा, इसका कंपोनेंट भी अंदर जाएगा। ये फोर्स बाहर हो रहा है तो इसका कंपोनेंट भी बाहर होगा, इसका कंपोनेंट भी बाहर होगा, सिंपल सा बात है, लॉजिक है। तो ये इधर गया और ये अंदर आया, सही बात है क्या, कितना है ये, एफ कॉस थीटा अंदर गया और एफ साइन थीटा अंदर गया, कोई बात नहीं। एक्सलेशन इस साइड हो रहा है, पता है। अब बताओ कितना एक्सलेशन है, जिस साइड फोर्स है ना, तो फोर्स क्या है यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, तो फोर्स बराबर, मुझे पता है कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, एम ए, तो नेट फोर्स इधर क्या है, एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, तो ए कितना आ गया, एफ कॉस थीटा अपॉन मास, ये आ गया एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इन एक्स एक्सिस। मुझे बताओ क्या वाई एक्सिस में एक्सलेशन कर रहा है क्या, नहीं सर नहीं कर रहा है, तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई एक्सलेशन नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा बात है, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, तो एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एम जी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जो मैंने फोर्स लगाया ये n आ गया, ये n क्या है, तो वो फोर्स है जो सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पे, ठीक है, ठीक है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा n क्या था, यहाँ पे दोनों के मतलब से n क्या है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस, फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस या कॉन्टैक्ट सरफेस ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे, दोनों केस में वही है ना एक्सलेशन। चलो इसमें देख लो, इसमें भी नेट फोर्स एक्स की मैं बात करूं तो नेट फोर्स एक्स में कितना है, तो एफ कॉस थीटा है, तो एफ कॉस थीटा बराबर एम ए, तो यहां भी एक्सलेशन देखो सेम आया, एक्सलेशन क्या आया प्यारे बच्चों, सेम आया, चलो ठीक है सर, एक्सलेशन क्या आया, सेम आया, एफ कॉस थीटा बाय एम। नॉर्मल रिएक्शन कितना है, देखो नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, एफ साइन थीटा भी नीचे है, तो मुझे पता है कि वाई में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो वाई में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, समेशन। तो एन इक्वल टू एम जी, ये नीचे भी है, प्लस एफ साइन थीटा। मुझे बताओ प्यारे बच्चों इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, ये सरफेस कॉन्टैक्ट क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, प्लस एफ साइन थीटा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, सोचो अगर पुलिंग अगर करोगे पुलिंग, तो ये थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा उठ जाएगा, थोड़ा कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा सरफेस के साथ, इसीलिए एन का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे अगर ऐसे करोगे, फोर्स करोगे, तो देखो
जो सरफेस पे है ना दबाव ज़्यादा बनता है, दबाव ज़्यादा बनता है मतलब कांटेक्ट ज़्यादा होता है, और कांटेक्ट ज़्यादा होता है तो एन का वैल्यू एम जी प्लस एप्सिलॉन थीटा या एम जी माइनस एप्सिलॉन थीटा। इसीलिए बोला जाता है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुशिंग में देखो इतना लगता है, देख रहा है, जैसे एग्जाम्पल में ग्रास कटर, अरे कभी देखा है क्या ग्रास कटर? देखा नहीं देखा है? यस सर। उसे क्या करता है सोचो, अगर अगर ग्रास कटर को ऐसे खींचोगे तो क्या घास अच्छे से कट जाएगा? क्या घास अच्छे से कटने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अगर खींचोगे ना तो जो कांटेक्ट होगा ना उसका घास के साथ थोड़ा लूज हो जाएगा, घास यूनिफॉर्मली कटिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे करके फोर्स लगाओगे, अगर पुशिंग करोगे, पुशिंग करके तो घास के साथ संपर्क बना रहता है, इसलिए घास घास यूनिफॉर्मली कट जाता है। समझ में आ नहीं आ रहा है? तो ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? तो ग्रास कटर एग्जांपल है। और नोट में ये बातें लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि देखो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग क्या है? आसान होता है, तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। ठीक है, तो पुलिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? इजियर होता है पुशिंग से। क्या ये बातें समझ में आई क्या तुम्हें? यस सर, समझ में आया सर। कोई दिक्कत तो नहीं यार? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों, सिंगल ब्लॉक सिस्टम में क्वेश्चन चाहो तो और दे सकता हूँ, तुम्हें क्वेश्चन कुछ भी दिया जा सकता है। क्या तुमसे बन जाएगा क्या? यस सर, बन जाएगा सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, सिंगल ब्लॉक सिस्टम की बात है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमसे ये क्वेश्चन बन जाएगा? देखो तो 4 kg का ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लगाया है 40 N और ये लगाया है 37 degree, और एक लगाया है इस टाइप से, मान लो ऐसे लगाया है, ऐसे 30 N, ये लगाया है 37 degree के साथ। ठीक है, 37 degree, कोई दिक्कत नहीं। ये इधर लगाया है और ये इधर लगाया है, तो बोलता है नेट एक्सलेशन बताओ, और बताओ ये जो है कितना फोर्स, मतलब फाइंड। चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, नेट एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन है वो। सेकंड में फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्राउंड, ग्राउंड कितना फोर्स लगा रहा है, एग्जर्टेड बाय ग्राउंड मतलब एन, मतलब क्या निकालना है? तो एन की बात निकालना है, एन। चलो इसका एबडी बना, सिंपल सा बात है, एबडी बना रहा हूँ, सुनना। 4 kg नीचे कितना है? 40 N, बहुत बढ़िया। ऊपर क्या लगाएगा ये? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, बहुत बढ़िया। ये फोर्स बाहर की ओर है, इसका कंपोनेंट बाहर, ये भी बाहर, कितना आएगा? 40 cos 37, 40 cos 37। ये ऊपर क्या आएगा? तो 40 sin 37। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, ये बाहर है ना, तो इसका कंपोनेंट भी बाहर, इसका कंपोनेंट भी बाहर। ये अंदर है, तो प्यारे बच्चों से कंपोनेंट अंदर, 30 cos 37, और ये अंदर की बात, ये नीचे भी आएगा 30 sin 37। हो गया, अब एबडी बन गया, मुझे पता है एक्सलेशन इसी साइड होगा, है कि नहीं? सही बात है। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ 40 cos 37, 40 × cos 37 का वैल्यू याद है कि नहीं है? कितना होता है? 4/5 है ना, याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आएगा ये? 32 N। और साइन 37 का वैल्यू होता है कितना? 3/5, ये कितना आएगा? 24 N। ठीक है, कॉस 37 4/5 कितना आ गया? तो 24 N। ठीक है, ये साइन 37 30 sin 37 30 × 3/5 कितना आ गया? 18 N। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब देखो, जो एक्स में, देखो एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में एक्सलेशन कर रहा है, नेट फोर्स बराबर एम ए, किस में? एक्स में। अब देखो, जिस साइड एक्सलेशन हो रहा है उस साइड का फोर्स प्लस, तो देखो देखो एक्सलेशन इस साइड हो रहा है, मान लिया इस साइड, तो ये देखो 32 N इधर लग रहा है, और इधर क्यों कितना लग रहा है? 24 N। तो ये भी इधर, ये भी इधर, तो 32 + 24 बराबर एम ए, मास कितना है? 4 A। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 4 × 2 = 3 = 56, 4 A कितना आ गया? 14 m/s². समझ में आया नहीं आया? ये सर, समझ में आ गया सर। अब निकाल लो, मुझे पता है वाई एक्सिस में कोई एक्सलेशन नहीं कर रहा है, तो वाई एक्सिस में नहीं कर रहा है मतलब वाई एक्सिस में नेट फोर्स क्या है? 0। तो वाई एक्सिस में कर दो, एन ऊपर लग रहा है, और देखो और कुछ ऊपर है क्या? हाँ देखो, ये 24 N भी ऊपर है प्यारे बच्चों, एन प्लस एन ऊपर के 24, ये 18 N 40 N, तो 18 N और 40 नीचे, ठीक है ना? ये कितना आ गया? तो 58। ठीक है, एन प्लस 24, तो एन का वैल्यू कितना आ गया? 58 - 24 कितना आ गया? 4,
तीन इतना न्यूटन, 34 न्यूटन, मतलब फोर्स कितना लगेगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन कर लो अच्छे, सही है क्या देख लो तो। यस सर ये 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। अच्छे बताओ प्यारे बच्चों, मान लो अगर ये अगर इधर दे दिया फोर्स तो क्या करोगे? इधर दे दिया, ये इधर दे दिया तो पूछते हैं एक्सेलरेशन क्या, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको क्या कर दोगे? इधर कर दोगे और इसको इधर कर दोगे, तो ये फोर्स अपोजिट में आ गया है कि नहीं? तो मुझे पता है ये फोर्स ज़्यादा है 32, ये फोर्स कम है, है ना, ये इधर की ओर है, तो 32 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस नेट फोर्स क्या आएगा, तो 32 माइनस 24, तो 32 माइनस 24 बराबर 4 है, तो वो भी आंसर आ सकता था। ठीक है क्या? क्वेश्चन उल्टा भी कर दे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन है। ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, बिल्कुल ही आसान, बिल्कुल ही सटीक, तो सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया। अब थोड़ा सा टू ब्लॉक सिस्टम की बात करें, किसकी बात करेंगे हम? टू ब्लॉक सिस्टम का। चलो टू ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे हम। दो ब्लॉक सिस्टम है, सिंपल सा बात है, इसे मान लो 4 kg, कोई बात नहीं, इसे मान लो 2 kg, ठीक है। फोर्स लगाया है मान लो 24 न्यूटन, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है सुनना, क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे दो मास है, दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या बोला गया? सिस्टम। कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है, सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है। सेकंड बोलेगा कि फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। क्या बोलेगा? फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेगा बिटवीन टू बॉडीज, दो जो बॉडी लिया है 4 kg और 2 kg का, उसके बीच कॉन्टैक्ट फोर्स। या तो इसी क्वेश्चन को और लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ सुनना, फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय 4 kg ऑन 2 kg, ये भी क्वेश्चन सेम आंसर सेम है। बोलता है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, मतलब इस केस के बीच जो कॉन्टैक्ट ये है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कितना लगा रहा है। या तो फाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय 4 kg ऑन 2 kg। चलो ठीक है, फर्स्ट में क्वेश्चन देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम में मास कितना है? 4 × 2 = 6, तो 6 kg का मास बना लो। इधर कितना लग रहा है? 24 न्यूटन। बताओ, हाँ ये जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ सरफेस। कैसा सरफेस है ये? स्मूथ, कोई फ्रिक्शन की बात अभी मैं नहीं कर रहा, तो स्मूथ है। बताओ कितना एक्सेलरेशन है? तो फोर्स कितना है? 24, तो फोर्स बराबर एम ए, तो फोर्स 24 बराबर 6 a, ए कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये इसका आंसर आ गया, एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? जो सिस्टम का होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी, एक्सेलरेशन इसका भी। अब बोलता है कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, तो सुनना, फोर्स यहाँ लगाया तो साथ में चल रहा है ये भी, साथ में कौन चल रहा है? 2 kg भी, मतलब ये कॉन्टैक्ट है, मतलब 4 kg ने इधर फोर्स लगाया होगा N1, सही बात है क्या? यस सर। और ये भी लगाया होगा इधर N1, सही बात है क्या? क्योंकि ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा तो ये भी फोर्स उस पर उतना ही लगाएगा। 2 kg भी साथ में चल रहा है, तो ले कौन जा रहा है? तो ले जा रहा है N1 फोर्स। ये N1 फोर्स क्या है? तो N1 फोर्स कौन लगा रहा है? तो N1 फोर्स कौन लगा रहा है? 4 kg लगा रहा है 2 kg पे, क्योंकि जा रहा है। तो क्या करेंगे? 2 kg का FBD बना लेंगे प्यारे बच्चों। अब 2 kg इधर की ओर जा रहा है, तो फोर्स कौन लगाया है? तो फोर्स लगा रहा है 4 kg लगा रहा है 2 kg पे इधर की ओर फोर्स, नॉर्मल, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट है ना, इसके जस्ट नॉर्मल लगाएगा ना। यस सर, ठीक है। तो ये इधर लगाया नॉर्मल, इसका एक्सेलरेशन कितना है? जो सिस्टम का है वही इसका भी है। तो मुझे बताओ N1 का, N1 क्या है? फोर्स बराबर MA 24, तो N1 का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8 न्यूटन। कितना आ गया? 8 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा? 8 न्यूटन। अब तुम बोलो सर कि यहाँ भी तो N1 लग रहा है, तुम चाहो तो इसका भी FBD बना के क्वेश्चन बना सकते हो। देखो 4 न्यूटन का FBD बना सकते हो, देख आंसर सेम आएगा। देखो 4 kg पे फोर्स कितना लग रहा है? देखो स्टेनल फोर्स 24 न्यूटन, और इस पे इधर फोर्स कितना लग रहा है? तो N1 लग रहा है। तो N1 लगा कौन रहा है? तो 2 kg लगा रहा है N1, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन कितना है? तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई बात नहीं। जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स माइनस, तो 24 माइनस N1 बराबर MA, M इंटू A, ठीक है। तो 24 माइनस 16 बराबर N1, तो N1 का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों? 8 न्यूटन। देखो सेम बात है कि नहीं? ये सो सेम बात है। तुम चाहे इसका FBD बना लो, चाहे तुम इसका FBD बना लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या तुम्हें? ये सो समझ में आ गया।
एक दो क्वेश्चन इस पर मैं दे सकता हूँ क्या? यस सर, दो सर, अच्छा लगा सर, चलो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सर मेरे से बन जाएगा सर, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलो देखो क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन, प्यारे बच्चों सुनना, पहले तुम बना के ऐसा दिखा सकते हैं, चलो कर लो। 5 kg ठीक है, ये 2 kg ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है मान लो 10 N लगाया, कोई बात नहीं, 10 N छोड़ो, मान लो 21 N लगाया, बताओ एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिंपल से बात है, कितना मास है टोटल? 7। सेम क्वेश्चन है कि एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, और बताओ 5 kg ने 2 kg पे कितना फोर्स लगाया। तो सिंपल से बात है, 7 kg में कितना लगा फोर्स? तो 21 N। तो कितना एक्सलेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो फोर्स इक्वल टू एम ए, तो ए कितना आ गया? 3 m/s² है कि नहीं सतिया केस? तो एक्सलेशन आ गया 3 m/s², कोई बात नहीं, सिस्टम का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों साथ में ये भी जा रहा है, तो ले कौन जा रहा है? तो ये फोर्स लगा रहा है, इंटरनल फोर्स से ये जो इस पे लगा रहा है, ये भी इस पे लगाएगा। तुम चाहे इसका मारो चाहे इसका मारो, एबीडी बात क्या है? सेम 2 kg का, देखो 2 kg उधर जा रहा है, तो धक्का कौन दे रहा है? 5 kg धक्का दे रहा है। कितना एक्सलेशन हो रहा है साथ साथ? 3 m/s² से हो रहा है, बहुत बढ़िया। तुमको नेक्स्ट समय बनाऊंगा 5 kg वाला सेंसर लाऊंगा, तो ला दो 5 kg पर कितना लग रहा है फोर्स? तो 21 N लग रहा है, और इधर फोर्स कौन लगा रहा है? तो 2 kg लगा रहा है N1। एक्सलेशन कितना हो रहा है? 3 m/s². चाहे तुम इसका बना लो इक्वेशन, इसका बना लो, ऐसा सेम आएगा। फोर्स यहाँ पर क्या है? N1। N1 बराबर ma, 3 × 2 कितना आ गया? 6 N। यहाँ पर कितना आएगा देखो, तो जिससे एक्सलेशन उस का फोर्स प्लस, तो 21 - N1 बराबर ma, 5 × 3 15, तो 21 - 15 कितना आ गया? 6 N। समझ में आया क्या? क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो प्यारे बच्चों, 2 ब्लॉक सिस्टम तुमसे क्वेश्चन डन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है क्या? चलो अब प्यारे बच्चों, अगर इसी में तुम्हें टेंशन दे दे तो क्या अंतर पड़ेगा? अब देखना, अच्छा मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो देखते रहना, चलो मैं एक साथ लेता हूँ, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, ओ सर मतलब अभी जो एग्जांपल दिया था 5 kg और ये 2 kg, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे कितना लगाया था? 21 N, कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन को अगर टेंशन के रूप में दे दी, जैसे मान लो 5 kg, कोई बात नहीं, और ये कितना है? 2 kg, टेंशन लगाया है और यहाँ पर फोर्स लगाया है 21 N, कोई बात नहीं। यहां पे क्या लगा हो? टेंशन, याद रखना ये मासलेस टेंशन है। कैसा है ये? मासलेस टेंशन, मतलब इसमें कोई मास टेंशन का नहीं है, मासलेस स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं सर, है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, यहां भी सिस्टम का बोला एक्सलेशन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या है सुनना, टेंशन मासलेस है, मतलब टेंशन में कोई मास नहीं है, तो टेंशन में जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा? तो इंटरनल फोर्स होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो एक्सटर्नल फोर्स है 21 N। यहां भी देखो, जो ये फोर्स लगाता है नॉर्मली एक से, वो कैसा फोर्स होता है? इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो 21 N है, बहुत बढ़िया सर। मुझे पता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो टेंशन जो लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट लगता है, तो टेंशन के, ये देखो 21 N है, तो टेंशन लगेगा इधर, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा क्या लगता है? ऑपोजिट। और बताओ, मुझे पता है कि इसका साथ साथ जो सिस्टम में उधर चल रहा है, तो इसको ले कौन जा रहा है? तो ये 5 kg भी साथ में चल रहा है, तो ले कौन जा रहा है? तो टेंशन ले जा रहा है। देखो टेंशन एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ भी नॉर्मल ये एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो सेम बात है। बोलता है एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, मुझे पता है सिस्टम का एक्सलेशन कितना होगा? 21 / टोटल मास कितना? 7, तो 3 m/s², सही बात है कि नहीं है, है ना। 7 kg यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी कितना है? तो 5 × 7 इसका मास ही नहीं है, और अफकोर्स ये भी तो फोर्स है, टी फोर्स है, लेकिन ये क्या है? इंटरनल फोर्स है, इसका कोई इंक्लूड नहीं होगा सिस्टम पे, ठीक है। मतलब ये इंटरनल फोर्स के कारण एक्सलेशन कभी भी नहीं आता है, ठीक है क्या? सिंपल सा बात है, यहाँ पे फोर्स क्या है? सिस्टम का एक्सलेशन बोल है, तो 5 × 7 kg मतलब फोर्स बराबर एम ए 7 8, ए कितना आ गया इसका? 3 m/s², मतलब देखो एक्सलेशन क्या आ रहा है? तो एक्सलेशन सेम आ रहा है, ऐसा क्या आ रहा है? एक्सलेशन सेम आ रहा है, मतलब एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, सही बात है कि नहीं? यस सर। अब बोलता है टेंशन बताओ, अब बोलता है नॉर्मल एक्शन बताओ। अब तुम चाहे इसका एबीडी बनाओ चाहे इसका बना लो। अब देखो 2 kg जा रहा है इधर की ओर 3 m/s² से, तो ले कौन जा रहा है? तो धक्का कौन लगा रहा है? 5 kg N1 उधर लगा रहा है।
अब मुझे बता, 5 kg भी साथ में उधर जा रहा है तो ले कौन जा रहा है उसे? तो 5 kg को ले कौन जा रहा है प्यारे बच्चों? तो टेंशन ले जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? 3 m/s². तो फोर्स क्या लगेगा? T=ma 5 a कितना आ गया? 15 N। कितना आ गया? 15। यहाँ पर N1=m×a कितना आ गया? 6 N। बातें समझ में आया? क्या अंतर है दोनों में? यहाँ नॉर्मल तो यहाँ टेंशन है कि नहीं? अब तुम कहो सर नहीं सर ठीक है सर टेंशन आ गया सर, यहाँ भी तो टेंशन है, इसके नियम से दिखाओ सर बना के। तो बना लो इसके नियम से, देखो देखो एक और एबीडी में बनाता हूँ, 2 kg का बनाओ, देखना आंसर इतना ही आएगा 2 kg का। देखो 2 kg का एबीडी बना लो, यहाँ पे कितना फोर्स है? 21 N 2 kg में। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है इधर की और? सिस्टम का 3 m/s। जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी, एक्सेलरेशन इसका भी। यस सर, स्मूथ है बिल्कुल सरफेस। तो इधर क्या टेंशन लग रहा है? तो जिस एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो 21 - T = m×a। तो 21 - 6 = T। टी कितना आ गया? तो 15 N। देखो सेम बात है कि नहीं? चाहे तुम इसका एबीडी बना लो, चाहे तुम इसका बना लो, टी टेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। वही बात यहाँ भी, चाहे इसका बनाओ चाहे इसका बना लो, एन क्या आएगा? सेम आएगा। ये बातें समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो क्या तुम्हें टेंशन और इसमें कुछ अंतर चला क्या पता? ये सर चल गया सर, पता चला नहीं चला? ये सर चल गया। चलो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, अगर पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो और करते हैं, देखो 3 ब्लॉक का सिस्टम की बात करते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम। 3 ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं। 3 होगा ब्लॉक इसमें। चलो 6 kg का है, 3 kg का है, 1 kg का, 6, 3, 9, 10 kg, ठीक है। फोर्स लगाया 50 N, कोई बात नहीं। या तो तुम कहो कि सर फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ मैं 50 N, या तो इधर लगाओगे तो ये क्वांटिटी लूज हो जाएगा, फोर्स यहीं लगाओ ना 50 N, है ना। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन चलेगा साथ साथ, ये सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों सुनना, यहाँ पे कुछ ऐसा कि यहाँ पे 6 kg टेंशन है, 3 kg टेंशन लगा हुआ है, 1 kg टेंशन लगा हुआ है, कितना फोर्स लगा रहा है? तो यहाँ भी 50 N, कोई बात नहीं। बोलते हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, यहाँ भी सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है सेम क्वेश्चन है। और बोलता है कि बताओ इसमें टेंशन क्या आएगा? टेंशन स्ट्रिंग वन, हाँ सुनना, और सोचो दोनों स्ट्रिंग अलग, दोनों का टेंशन यहाँ पे अलग अलग आएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे ये फोर्स क्या आएगा? ये धक्का उधर लगाएगा N1, तो ये धक्का क्या लगाएगा? N2। ये इधर भी N2 लगाएगा और ये इधर भी N1 लगाएगा, सही बात है कि नहीं है? यस सर। उसी टाइप से यहाँ भी कि एक्सटर्नल फोर्स है तो यहाँ पे टेंशन T1 होगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टम वो आगे जा रहा है तो ले कौन जा रहा है? तो T1 लेके जा रहा है, ठीक है। अब T1 इधर लगाया तो इसके लिए T1, तो इसके लिए ओपोजिशन इधर करेगा, और ये इधर जा रहा है, इधर कौन ले जा रहा है? तो T2 इधर ले जा रहा है, बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो F=ma, मास कितना है? 6, 3, 9, 1, 10, 10a, ये कितना आ गया? 5 m/s², ये एक्सेलरेशन आ गया सिस्टम का। यहाँ भी देखो 6, 3, 9, 1, 10, तो 50 = 10a, यहाँ भी a कितना आ गया? तो 5 m/s². समझ में आया नहीं आया एक्सेलरेशन? यस सर। अब बोलता है बताओ 6 kg ने 3 kg पे कितना फोर्स लगाया और 3 kg ने 1 kg पे कितना फोर्स लगाया? सिंपल सा बात है, 3 kg ने 1 kg पे कितना फोर्स लगाया? तो फोर्स बाय 3 kg ऑन 1 kg, या तो बोलेगा फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 1 kg। तो सिंपल सा बात है, फोर्स बाय 3 kg ऑन 1 kg, तो 1 kg का मोमेंट हो रहा है प्यारे बच्चों। 1 kg पे फोर्स कौन लगा रहा है? 3 kg, वो कितना लगा रहा है? N1। और एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? तो जो सिस्टम का एक्सेलेरेशन वही एक्सेलेरेशन इसका भी, वही इसका, वही इसका भी, कितना है? 5। तो 5 m/s². तो फोर्स बराबर ma, तो N1 = 5 × a, कितना आ गया? 5 N। सही बात है क्या? ये आ गया फोर्स इजेक्टेड बाय 3 kg ऑन 1 kg। अगर लिखा रहे कि फोर्स बाय 6 kg ऑन 3 kg, तो क्या करोगे? तो एबीडी बना लेंगे, चाहे 6 kg चाहे 3 kg का, ये एबीडी बना लो। तो 3 kg का अगर एबीडी बनाओगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा? देखो 3 kg का एबीडी, 3 kg पे 6 kg फोर्स लगा रहा है इधर की ओर N2, और 1 kg भी इधर लगा रहा है N1, सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये उधर लगा रहा है N1 इसको, तो इस पर भी लगेगा ना? यस सर। एक्सेलरेशन कितना है?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस साइड एक्सलेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो ये फोर्स प्लस ये फोर्स माइनस, क्या लिखोगे एन टू माइनस एन वन बराबर एम ए थ्री इंटू फाइव, एम ए 15, एन वन कितना है 5, तो एन टू माइनस 5 बराबर 15, एन टू कितना आ गया 20 न्यूटन। 20 न्यूटन क्या है, तो फोर्स लगा रहा है 6 के जी किस पे, 3 के जी पे। समझ आ रही है? यस सर, सही सेम बात यहाँ पे। अब यहाँ पे T1 निकालना, कोई बात नहीं, यहाँ T2 निकाल लो कोई बात नहीं है। 6 के जी जा रहा है, तो ले कौन जा रहा है इधर की ओर, तो T2 ले जा रहा है कितने से, कितने एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं, T2 ही ले जा रहा है, तो फोर्स बराबर एम ए, T2 बराबर एम इंटू ए, कितना आ गया 30 न्यूटन, T2 आ गया 30 न्यूटन। अब निकालना T1, तो चाहे इसका बना लो चाहे इसका बना लो, तुम तो तुम बोलो सर आपने 3 केजी का बनाया, जो बीच वाला था 3 केजी का बनाया आपने, तो अरे तुम चाहो तो इसका भी बना सकते हो, इसका है बीडी, क्या आएगा 6 केजी 50 न्यूटन, और इधर N2 और इधर एक्सलेशन, तुम चाहो तो N2 का वैल्यू वही आएगा, कितना आएगा 20 न्यूटन ही आएगा। अगर इसका एबीडी भी बनाओगे ना, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, सिंपल सा बात है। तो तुम चाहे इसका बना लो, किसका बना लो, तुम सर 3 केजी का बनाओ, सब मुझे दिखाओ। चलो 3 केजी का बना रहा हूँ, देख लो 3 केजी का, 3 केजी इधर जा रहा है, T1 लगा रहा है इधर, है कि नहीं, और इधर ओपोजिशन में क्या है, तो T2 है, इधर एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है, तो सिस्टम का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है। जिस सर एक्सेलेरेशन उस सर का फोर्स प्लस, तो T1 माइनस T2 बराबर एम इंटू ए, मतलब 15। बोलो T1 T2 कितना है 30 इक्वल टू 15, तो T1 कितना आ गया 45 न्यूटन, कितना आ गया प्यारे बच्चों 45 न्यूटन। समय में आया नहीं आया, क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बोलो आया ना, यस सर बन जाएगा। सही है क्या, ऐसा क्वेश्चन डन है क्या, यस सर डन है। तो प्यारे बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया है, ठीक है, धन्यवाद, चलो बेस्ट ऑफ लक।